an absolute treeless wilderness. There is no life, just wildlife. Yes, मैं बात कर रहा हूँ देवसाई नेशनल पार्क की। हरित भाई कैसे लग रहे? देवसाई क्रॉस करना कोई आसान बात है? ये है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्लेट्यू। Welcome to Explore and Expand. पाकिस्तान के शुमाली इलाके जात खसूसन गिलगित बल्तिस्तान रीजन को सियाहों की जन्नत कहा जाता है। यहाँ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों और वसी तरीन ग्लेशियर के अलावा दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन प्लेटू देवसाई भी मौजूद है। देवसाई नेशनल पार्क सतह समंदर से औसतन 4,114 मीटर की बुलंदी पे वाकया है। देवसाई नेशनल पार्क IUCN के मुताबिक ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू है और इसका जो रकबा है 3,626 स्क्वायर किलोमीटर है। देवसाई नेशनल पार्क एक ऐसा जंक्शन है जो कि चार माउंटेन रेंजेस के बीच में वाकया है। इसमें कराकरम, हिमालया, लद्दाख और जंस्कर, ये चार माउंटेन रेंजेस देवसाई नेशनल पार्क को कनेक्ट करती हैं। नवम्बर से मई तक देवसाई बर्फ से ढका रहता है। यहाँ तकरीबन 30 फीट तक बर्फ पड़ती है और यही बर्फ जब मई जून के बाद मेल्ट होती है तो ये सारा पानी इंडस रिवर में चला जाता है और कहा जाता है कि इंडस का 5% पानी देवसाई से आता है। ये सारा सामान हमारे देवसाई एक्सपेडिशन का और ये लोड करके हम लोग निकलने लगे हैं। यहाँ से हम KKH को छोड़ के अस्तोर वैली की तरफ एंटर हो रहे हैं। ये अस्तोर वैली की तरफ रोड जा रहा है और बाकी जो हमारा सफ़र होगा 2 घंटे का इस रोड के ऊपर होगा। इस मुकाम से हम लोग नांगा पर्वत का व्यू भी देख सकते हैं। इस टाइम तो नांगा पर्वत बिल्कुल बादलों में घिरा हुआ है। इस मुकाम का जो नाम है उसको थलेची कहते हैं। थलेची के मुकाम पे अस्तोर रिवर से आने वाला पानी इंडस में दाखिल हो जाता है। हम 14 घंटे का सफ़र करके इस्लामाबाद से अस्तोर पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले। अभी हम अस्तोर से ये चिलम की तरफ निकलने लगे हैं और ये हमारा जो लगेज है ये लोड हो रहा है जीप में। अस्तोर से चिलम का जो डिस्टेंस है वो 52 किलोमीटर है और हम लोग इस जीप पे बैठ के चिलम जा रहे हैं। अस्तोर से चिलम का 2 घंटे सफ़र करने के बाद इस टाइम हम चिलम में पहुंच चुके हैं। ये चिलम से व्यू है चिलम चौकी का। ये चिलम में हमारा आज का गेस्ट हाउस है। हम लोग अबूजर भाई के मेहमान होंगे।
आज हमारा फर्स्ट हाइकिंग डे होगा। चेलम से हम लोग देवसाई की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और ये हमारा नाश्ता हो रहा है। नाश्ता आज का बहुत ही सिंपल है, चाय के साथ ये फिट्टी है जो हम खाएंगे। दिस इज फिट्टी जो कि लोकल ब्रेड है। ये सारी टीम है जो आज मेरे साथ देवसाई जा रही होगी। अभी 4:45 हो गए हैं तो हम निकलने लगे हैं अभी थोड़ी ही देर में। जब देवसाई नेशनल पार्क में आप एंटर होते हैं चेलम साइड से तो आपको ये टिकट लेना पड़ता है और आजकल के दिनों में परमिशन भी देनी पड़ती है एक्सपेडिशन की, जो कि हमने ले ली है। ये इस टाइम मॉर्निंग का चेलम गांव का व्यू है। चेलम गांव से दो रास्ते जाते हैं, एक तो मिनी मर्ग जाता है तो वो सामने की तरफ, और हम लोग जाएंगे इस तरफ देवसाई की तरफ। ये हमारा फर्स्ट ट्रैकिंग डे चेलम से स्टार्ट हो रहा है और देवसाई जाने के लिए ये हमारी सारी टीम है। ये स्नो स्लेज के ऊपर दोबारा से जो लगेज है उसकी एडजस्टमेंट हो रही है। स्लेज का सबसे बड़ा एडवांटेज कि काफ़ी हैवी लगेज आप ड्रैग करके लेके जा सकते हैं, आपको उठाना नहीं पड़ता। ये शेरकुली गांव है जो कि चेलम से थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पे अभी इस मौसम में भी लोग आबाद हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, और अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर है इन दिनों में -10 तक चला जाता है। कुछ दिन पहले मार्च के महीने में और फेब के महीने में यहाँ -15 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पे, और अभी आस्ता आस्ता मौसम बेहतर होता जा रहा है। ये अबुजर भाई हैं, ये हमारे यहाँ के चेलम के होस्ट। रात को इनके गेस्ट हाउस में ठहरे, यानी कि रात के ठहरने का अरेंजमेंट सारा इन्होंने किया। जहाँ पे -10 डिग्री टेम्परेचर हो, कुकिंग तो दूर की बात, वहाँ पे पानी का अरेंज करना, फिर गर्म पानी का अरेंज करना, ये सारे मामला बड़े मुश्किल होते हैं। और फिर अफजर भाई हमें थोड़ा सा ऊपर ड्रॉप भी करने आए हैं, हमारा लगेज कैरी करके। चेलम पोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे है और अभी अफजर भाई वापस जा रहे हैं हमें गुड बाय करके। तो मैं अफजर भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया खालिद भाई और रसम भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे बाकी जो टूरिस्ट हैं उनसे भी गुजारिश है कि भाई विंटर में आए हैं आप लोग, हम आपको वेलकम कर देंगे। देवसाई दुनिया का सेकंड हाईएस्ट मेडो तो है ही है, जिसकी वजह से ये फेमस है। सेकंड जो फेमस बात है इसकी वो है ब्राउन बियर। ये अभी सुबह सुबह ब्राउन बियर नया से रिजर्व है, ये इसके फुटप्रिंट आई है, मैक्सिमम आधा घंटा पहले गुजरा ये, तो हो सकता है कि आगे हमें ब्राउन बियर नज़र भी आए। ये हाई अल्टीट्यूड मैराथन है, इतनी हाई अल्टीट्यूड के ऊपर थोड़ी सी भी रनिंग से बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता है, क्योंकि इस टाइम हम लोग 3,600 मीटर की बुलंदी के ऊपर हैं, तो ऑक्सीजन की पहले ही कमी है, तो यहाँ रनिंग करने से सांस बहुत ज़्यादा फूलता है। अभी हम लोग ये शेरकुली की ऊपर वाली सेटलमेंट में आ गए हैं, एक शेरकुली नीचे है जो कि चेलम के पास है, और यहाँ पे हमें 2.5 घंटे लगे हैं हाइक करके पहुँचने में, और ये आखिरी सेटलमेंट है देवसाई जाते हुए, इसके बाद कोई सेटलमेंट नहीं आती। तो ये शबर है हमारे साथ, शबर का घर ये ऊपर वाली शेरकुली में है। शबर आप कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? तकरीबन 1 महीना हो गया मैं यहाँ। जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो कब आप नीचे गए यहाँ से? तकरीबन हम गए थे सर सितंबर में, नीचे गए थे नीचे वाला ग्राउंड। यानी कि सितंबर में देवसाई का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो जाता है, माइनस पे जाता है टेम्परेचर। माइनस कितने तक चला जाता है? करीबन -15 से -20 तक। तो ये जी सबर का बड़ा खूबसूरत सा गांव है, ये देवसाई का व्यू इस तरफ है, ये रास्ता है देवसाई की तरफ जाते हुए। अभी हमने 250 मीटर एल्टीट्यूड गेन किया है और 500 मीटर अभी हमने और गेन करना है। लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है, 5 घंटे 6 घंटे या 4 घंटे। मौसम आज बड़ा अच्छा है, मौसम हमारा बहुत साथ दे रहा है, तो होप सो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी।
ये व्यू है देवसाई टॉप की तरफ जाते हुए। अभी तक हम लोग 4 घंटे की हाइक कर चुके हुए हैं। सुबह से हमने 5 बजे हाइक स्टार्ट की थी और अभी 9 बज चुके हुए हैं। मजीद हो सकता है कि 5 घंटे का और रहता हो शिव सब तक पहुंचने के लिए। हमारी टीम माशाल्लाह से लगेज को ड्रैग करते हुए स्लेज के ऊपर से। ये हमारे गाइड हैं जमशेद भाई, ये सबर भाई यहाँ के लोकल, ये बिशारत भाई भी यहाँ के लोकल चिलम से, और ये हसन भाई। हसन भाई इस टाइम जो है वो तमाम ग्रुप मेंबर्स के लिए चाय बना रहे हैं, और चाय के साथ जो है वो हम लोग लंच में खजूरें खाएंगे। और हमारे जमशेद भाई ये खुश्क खुबानी लेके आए हैं, तो ये हमारा लंच है यहाँ पे इस एडवेंचर वाले माहौल में। ये हमारी टीम है शिवसर देवसाई की तरफ जाते हुए। यहाँ पे नज़ारे इंतहा खूबसूरत हैं, ऐसे नज़ारे मैं भी लाइफ में पहली दफ़ा देख रहा हूँ। और अगर ये ट्रैक का बैक साइड देखें तो ये चिलम साइड है और वो सामने ऊपर नांगा पर्वत आज बिल्कुल क्लियर है। ये हमारे शबर भाई पानी की तलाश में, क्योंकि हमारे पास पानी ख़त्म हो चुका हुआ है और हमें ज़रूरत है पानी की। समर में तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रीम है यहाँ पे ना, इतना बड़ा खड्डा निकाला है लेकिन नीचे पानी नहीं मिला, पानी जो है वो नीचे से फ्रीज हुआ है। ये मेंबर आना शुरू हो गए हैं हमारे कैंप साइट के ऊपर। ये हमारी फर्स्ट कैंप साइट है। शिवसर लेक तक तो नहीं पहुंच पाए लेकिन हम लोगों ने शिवसर लेक से 2 किलोमीटर पहले एक कैंप साइट बनाई है, और इस कैंप साइट से ये व्यू है जिस तरफ से हम आए हैं। ये हमारा डिनर रेडी हो रहा है, हमारा स्लीपिंग टेंट ही आज किचन टेंट है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 टेंट हैं। ये हमारा टेंट का नज़ारा है बाहर से, इस तरफ इंतहाई खूबसूरत व्यू है नांगा पर्वत का जो कि बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है इस टाइम। किलर माउंटेन नांगा पर्वत। अभी हमारे टेंट क्लोज होना शुरू हो गए हैं और थोड़ी देर में आज हम हाइकिंग स्टार्ट करेंगे। हमारी टीम देवसाई प्लेन की तरफ जाते हुए अभी थोड़ी देर तक हम लोग शिवसर लेक तक पहुंचेंगे और उसके बाद फिर हम काला पानी पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये चिलम से आते हुए देवसाई का टॉप है, इसके बाद देवसाई का डिसेंट शुरू हो जाएगा शिवसर लेक की तरफ। हम लोग इस टाइम छछोर पास के बिल्कुल करीब हैं और जैसे ही छछोर पास हम क्रॉस करेंगे तो नीचे हम शिवसर लेक पे पहुंच जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम चिलम साइड पर देखें तो ये नांगा पर्वत का व्यू नज़र आ रहा है। नांगा पर्वत को हम लोग कल से देख रहे हैं लेकिन कल इसकी हाइट कम नज़र आ रही थी, आज क्योंकि हम लोग हाइट पे पहुंच आए हैं इतना खूबसूरत नज़ारा है कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता।
आज बिलआखिर हमें पानी मिल ही गया। हम कल से बर्फ को मेल्ट करके पानी बना रहे हैं और गैस ज़ाया कर रहे हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि लिमिटेड हमारे पास गैस है और हमने एक्सपेडिशन अपना पूरा करना है। हमारा एक्सपेडिशन कारवान लिंक करते हुए देवसाई प्लेन की तरफ, शिवसर, काला पानी, बड़ा पानी की तरफ। देवसाई नेशनल पार्क में बिलआखिर हम दाखिल हो गए। ये हमें बोर्ड नज़र आ गया, एंट्रिंग देवसाई नेशनल पार्क फ्रॉम एस्पोर साइट। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है हमारी टीम जो फर्स्ट टाइम ऐसे वेदर में देवसाई नेशनल पार्क में आ रही है। हमारी टीम में दो दोस्त जो थे वो चेलम से थे, एक शबर भाई और एक बिशारत भाई। फिर दो दोस्त हमारे स्टोर से हैं जो कि हमारे गाइड हैं, जमशेद भाई और फैज़ान। यहाँ से बिशारत भाई ये वापस जाएंगे हमें छोड़ के, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ एक दिन रहना था जबकि आज का दिन हमने इनका एक्स्ट्रा ले लिया। अब ये स्की के ज़रिए वापस जाएंगे स्की करते हुए, तो ये बता रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 मिनट में जाएंगे। मैं और अपनी टीम की तरफ से बिशारत भाई के कोऑपरेशन का, सपोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर ये ना होते तो हमारे लिए लगेज कैरी करके लेके आना यहाँ पे बहुत मुश्किल था। वैसे हम चार लोगों ने लगेज उठाना था, तो इनकी वजह से हमारा लगेज 5 पे डिवाइड हो गया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। बता आप लोगों को कामयाबी से पहुँचाएँ और रास्ते में आपको कोई मुश्किल ना हो, और बस खुदा हाफिज। यहाँ से श्योसर लेक की झलक नज़र आना शुरू होगी जो कि बर्फ में बिल्कुल डूबी हुई है। हमारी टीम शोसर का एरिया क्रॉस करते हुए, ये बैक साइड पे शोसर है कह सकते हैं, तो होती थी, दैट वुड बी अप्रोप्रिएट वर्ड। अभी तो फुली स्नो से कवर्ड है। देवसाई की खास बात, यहाँ पर पाए जाने वाले नायाब भूरे रीछ हैं। इस किस्म के रीछ दुनिया में बहुत ही चंद मकामात पर पाए जाते हैं। 1993 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, जिसकी रूह से यहाँ पे शिकार पर मुकम्मल पाबंदी है, ताकि यहाँ पाए जाने वाले जानवरों खुसूसन भूरे रीछ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। 2005 में इन रीछों की तादाद महज 40 रह गई थी, लेकिन 2022 में इनकी तादाद बढ़कर 76 हो गई है। कभी यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में रीछ घुमा करते थे, मगर शिकारियों और ट्रॉफी हंटिंग की वजह से इस खूबसूरत और पाकिस्तान से सबसे बड़े हेमाखोर जानवर यानी गोश्त और सब्जी खोर का शिकार करके मादोमियत के ख़तरे से दोचार कर दिया। ये रीछ साल के 6 महीने सर्दियों में नवंबर तक अप्रैल गारों में सोता रहता है। इसी दौरान इसके जिस्म की चर्बी पिघलकर इसे तवानाई फराहम करती है। अभी हम शोसर लेक क्रॉस कर चुके हैं। ये रास्ता है यहाँ से छोटा देवसाई जाने का, गुलतरी की तरफ जाने का। जब चल चल के थक जाते हैं, फिर इसी तरह बैठ के थोड़ा सा आराम कर लेते हैं ताकि सांस बाहर हो जाए, पानी वगैरह पी लेते हैं। इस तरफ से हम आए, इस तरफ हमने जाना है काला पानी, बड़ा पानी, शतोंग। और ये हम देवसाई के सेंटर में बैठे हैं। मेरा प्लान था कि मैं देवसाई को इस कंडीशन में कर पाऊँ, और इसके लिए हम लोग प्लानिंग जो है वो 3 साल से कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारा जो है गेयर वो नहीं मिलता, स्लेज हो गई, स्नो शोइंग हो गई, तो इस तरह की चीज़ें देवसाई नेशनल पार्क को क्रॉस करने के लिए ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हमने प्रैक्टिकली भी देखा कि ये चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, अदरवाइज़ पोर्टर्स के लिए इंतहाई मुश्किल होती लगेज को कैरी करना बैक पे, क्योंकि डे टाइम पे सम टाइम बर्फ़ नरम हो जाती है, घुटने से भी ज़्यादा तक टांग जो है वो बर्फ़ में जा रही होती है। आज हमने डिसाइड किया कि यहाँ कैंप लगाते हैं, तो ये है हमारी कैंप साइट आज की।
हम काला पानी तक नहीं पहुंच सके क्योंकि बर्फ बड़ी नरम होगी हुई है और टांग अंदर जा रही है काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से मुश्किल हो रहा है चलने में। हम लोग यहाँ पे कैंप लगा के कल अर्निंग मॉर्निंग क्योंकि हार्ड होती है स्नो, तो कल हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट जर्नी। ये हमारी कैंप साइट बनने के मनाजिर। ये इस टाइम हमारे किचन का नज़ारा, ये पैनकेक बन रहा है। क्यों सर भाई पैनकेक ही बनता है? जी 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 जी। और पैनकेक सर्व होगा चाय के साथ, ये हमारे फीटा वाली चाय। और ये कुछ पैनकेक बन चुके हुए हैं। ये हमारा मेस टेंट है आज के लिए, और ये बाहर हमने सामान अपना खुश करने के लिए डाला हुआ है ये सारा। अभी अभी हसन भाई ने हमें सूट पिलाया है सबको, तो यकीन करें जान आ गई है, एनर्जी आ गई है। बाहर के मौसम में यही देवसाई नेशनल पार्क जो है वो डिफरेंट नज़ारा पेश कर रहा होता है। यहाँ पे आपको रंग बिरंगे फूल नज़र आते हैं, डिफरेंट कलर की तितलियाँ नज़र आती हैं, और एक चहल पहल होती है क्योंकि टूरिस्ट आ रहे होते हैं, जीप्स आ रही होती हैं, स्कर्दू साइड से भी आ रही होती हैं और अस्तोर साइड से भी आ रही होती हैं। इस टाइम देवसाई में स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी तेज़, ये जस्ट 15-20 मिनट में ऐसा हुआ है। पहले ये सामने माउंटेन्स बहुत क्लियर नज़र आ रही थी दूर दूर तक, और अभी विजिबिलिटी की सूरत हाल ये है, अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। आज हमारी थर्ड डे की ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है। कैंप्स फोल्ड कर रहे हैं, उससे पहले नाश्ता हम कर चुके हुए हैं, और लगेज को अभी स्लेज के ऊपर एडजस्ट करेंगे और उसके बाद हम मिल करेंगे अपनी अगली कैंप साइट, जो कि मे बी बड़ा पानी मे बी शतुंग। मौसम कदरे बेहतर हो चुका हुआ है, कुछ देर पहले तो विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, अभी ये कि रास्ता कुछ नज़र आ रहा है। हम लोग यहाँ पे आते हैं एक्सपेडिशन के लिए और इन खूबसूरत जगहों को एंजॉय करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि हम गंद यहीं फेंक जाते हैं। दिस इज़ सो बैड। हमने कल भी आना, हमारे बच्चों ने आना है, फ्यूचर जनरेशन ने यहाँ पे आना, तो अपनी कैंप साइट को नीट एंड क्लीन छोड़ के जाए। हमने अपनी प्रीवियस कैंप साइट को भी नीट एंड क्लीन किया और अभी इस कैंप साइट को भी नीट एंड क्लीन कर रहे हैं। हमारी ट्रैकिंग का आगाज़ हो चुका है, आज हमारा थर्ड डे है। इस टाइम आपको मिस्टी वेदर भी नज़र आ रहा होगा, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ पे चलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्लेट्यू। हाई एल्टीट्यूड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है विजिबिलिटी का और मौसम का फौरन से चेंज हो जाना, तो हम लोग अंदाजे से ही जो है वो ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं, तो लिहाजा हमें 100% श्योर नहीं है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। आप देखें कि विजिबिलिटी की क्या सूरत हाल है। आज देवसाई में सबसे बड़ी परेशानी हमारे लिए रास्ते तलाश करना हो रही है। अभी हम छोटा पानी के पास पहुँच आए हैं, जिस मुश्किल से हमारे गाइड और पोर्टर ने रास्ता तलाश किया है मैं आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं बता सकता। देवसाई में इस मौसम में इन हालात में भटक जाने का मतलब है कि बहुत बड़ा डिजास्टर, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा, कंप्लीट वाइट है, विजिबिलिटी ना होने के बराबर है।
अभी हम लोग काला पानी के ब्रिज पे पहुंच आए हैं और यहाँ पे सूरत हाल कुछ इस तरह सी है। ये फैज़ान नीचे से पानी लेके आया है दरिया का, वो जो नीचे पानी फ्लो कर रहा है, और ये जम शीरी बना रहा है सबको पिलाने के लिए। अगर काला पानी से इस तरफ का नज़ारा देखें तो जिस तरफ अभी हमने जाना है ये बड़ा पानी की डायरेक्शन है। यहाँ से हम निकल के बड़ा पानी की तरफ जाएंगे। होप सो कि घंटे दो घंटे में हम बड़ा पानी पहुँच पाएंगे। हम इस तरफ से काला पानी आए हैं और अभी तो मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया, विजिबिलिटी बेहतर हो गई है, लेकिन हमें पहले विजिबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम लोग रास्ता भटक गए तो जो हमारे गाइड हैं जमशेद भाई, इन्होंने जाके रास्ता ढूंढा और फिर इनको आइडिया हो गया कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर हमने राइट डायरेक्शन पकड़ी और हम लोग यहाँ तक पहुँच आए। आज के डे में सबको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि कल ताज़ा स्नोफॉल हुई है और ताज़ा स्नोफॉल का प्रॉब्लम ये होता है कि आपका पाँव फिर अंदर जाता है, जिसकी वजह से चलने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है। अभी बड़ा पानी हम जाने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन बार बार रास्ता भूल जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है, कोई साइन नहीं किसी भी चीज़ का। देवसाई में काफ़ी देर रास्ता भटकने के बाद हमारे गाइड ने बड़ी मेहनत से आगे पीछे घूम के रास्ता तलाश कर लिया। अब हम लोग सही रास्ते पे आ गए हैं। सामने हमारी जो आज की मंजिल है बड़ा पानी, वो नज़र आ रही है। आज अभी तक हमें 9 घंटे हो गए हाइक करते हुए और अभी हमारी कैंप साइट नहीं आई। कैंप साइट वो सामने नज़र तो आ रही है लेकिन वहाँ तक पहुँचने में अभी भी 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था। यह है बड़ा पानी जहाँ पे हमने पहुँचना था और आज सुबह 6 बजे हमने हाइकिंग स्टार्ट की थी। कैला पैनी से थोड़े से पीछे वाले एरिया में हमने कैंप किया था। अभी टाइम हो गया है 5:15, यानी कि 11.25 घंटे में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। रफली 18 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने हाइक करके तय किया है। इतनी डेंस स्नो में कहीं पर 10 फीट होगी, कहीं पर 20 फीट होगी। ये मेरा लाइफ का, मैं कह सकता हूँ कि टफेस्ट एक्सपीरियंस है। इस टाइम मैं बड़ा पानी के ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ। अब कहीं भी नज़र दौड़ाएं, दूर दूर तक यहाँ पे बर्फ़ की सफ़ेद चादर में सारा देवसाई नेशनल पार्क लिपटा हुआ है। यहाँ पे हमें एक लकी दी हट मिल गया स्टे करने के लिए। इस हट के अंदर हमें एक देसी लालटेन भी मिल गई जिसकी रोशनी से हम लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और ये इस हट में हीटिंग सिस्टम इस रूम को गर्म रखने के लिए, तो ये जो हमारे साथ गाइड पोर्टर्स हैं उन्होंने लकड़ी अरेंज की ताकि बुखारी को फंक्शनिंग किया जा सके और आज रात हम कंफर्टेबल सो सकें। साथ में आप देखें इसके ऊपर रोटी बन रही है। श्री हसन भाई रोटी बना रहे हैं, शब्बर भाई ये रोटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये शैजान बैठा हुआ है मज़े कर रहे हैं। अभी इसने लकड़ी भी तोड़ी है, पानी भी नीचे दरिया से लेके आया है और अभी ये थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। ये हमारे गाइड जमशेद भाई, नीचे हमने टेंट अपने बिछाए हुए हैं। ये मेरे चार्जिंग के सारे जो है गैजेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये सारा लगेज अपना रखा हुआ है। होप सो कि कल हम देवसाई से एग्जिट कर पाएंगे। ये नाश्ते के रेडी होने के मनाजिर। ये बड़ा पानी का मुकाम है और ये बड़ा पानी वाला रिवर है
अभी हम लोग बड़ा पानी से शतुंग की तरफ जो है मूव करेंगे, फिर शतुंग से कोशिश करेंगे सतपारा टॉप पहुंचने की, और सतपारा टॉप हमारी आखिरी कैंप साइट होगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग स्कर्दू की तरफ एग्जिट करेंगे। हमारे आने से कुछ देर पहले यहाँ से रीच भाग गए थे, क्योंकि ये रीच का मस्कन है इस एरिया में, बड़ा पानी में ये रीच होते हैं। दो इग्लू यहाँ पे हमने देखे हैं जहाँ पे रीच थे, क्योंकि रीच की जो साइन थे या उनकी जो स्मेल थी वो बहुत ज़्यादा क्लियर थी, उससे अंदाज़ा होता था कि यहाँ पे रीच रह रहे हैं। ये हमारा ग्रुप जो है वो रेडी हो चुका है और अभी हम लोग हाइकिंग स्टार्ट करने लगे हैं। ये स्लेज के ऊपर जो है हमारी टीम लेडीज बांध रही है। ये वो जगह है जहाँ पे आज हमने रात गुजारी है। ये खुशकिस्मती से हमें ये हट मिल गया, अदरवाइज यहाँ पे बड़ा पानी के मुकाम पे रहना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, इसलिए कि यहाँ पे रीच बहुत ज़्यादा होते हैं। ये रीच की अम्बाजगाह है सर्दियों में। ये हमारी फोर्थ डे की हाइकिंग स्टार्ट हो रही है। बड़ा पानी से अभी हम निकलना स्टार्ट कर रहे हैं। ये बड़ा पानी हमारी कैंप साइट थी। लेट्स सी कि हमारी कौन सी कैंप साइट बनती है, स्कर्दू टॉप या शतुंग। ये बड़ा पानी का ब्रिज देखा जा सकता है। इस कैंप साइट को अब हम लोग छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ा पानी का कंप्लीट व्यू। देवसाई नेशनल पार्क में वैसे तो छोटी बड़ी बहुत सारी पीक हैं, लेकिन यहाँ पे तीन पीक ऐसी हैं जहाँ से आप पाकिस्तान की जो 8000 है उनका आप नज़ारा कर सकते हैं कैमरे के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए, जिसमें बड़ीला, शतुंग पीक और बुर्जिला। अगर आप इनके टॉप पे पहुँचते हैं तो वहाँ से ड्रोन के ज़रिए, DSLR के ज़रिए नंगा पर्बत, K2, ब्रॉड पीक, G1, G2, G4, G3, इन तमाम पीक को कैप्चर किया जा सकता है अगर मौसम क्लियर हो तो। रीच के साइन हैं जो कि बहुत क्लियरली देखे जा सकते हैं। ये शतुंग से आया है और शतुंग से बड़ा पानी की तरफ, क्योंकि इसके साइन जो है वो बड़ा पानी तक नज़र आ रहे हैं ये। और ये डे टाइम पे गुजरा है क्योंकि बर्फ़ नरम थी तो लिहाजा उसके फुटप्रिंट बनते गए, दूर तक इसके फुटप्रिंट नज़र आ रहे हैं। अजित भाई कैसे लग रहा है? असल भाई देव सही क्रॉस करना कोई आसान बात है। हमारी टीम मेंबर शतुंग ब्रिज की तरफ रवाना हैं। अभी हमें 2 घंटे 40 मिनट हो गए यहाँ तक पहुँचने में। ये यहाँ का व्यू है इंतहाई फैसिनेटिंग, इंतहाई अमेजिंग, और आज का वेदर भी बहुत शानदार है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें बेहतरीन वेदर मिला। यहाँ से वो तीनों पीक देखी जा सकती हैं जहाँ से पाकिस्तान की तमाम हाईएस्ट पीक का नज़ारा किया जा सकता है। सबसे राइट में देखें तो बड़ी ला है, देन शतुंग है, और मैं अगर इस तरफ दिखाऊं आपको ये बुर्जिला है जो कि बिल्कुल वो पीछे नज़र आ रही है बादलों में। आज चलने की स्पीड इंतहाई स्लो है क्योंकि धूप की वजह से, बर्फ में पाँव अंदर जाने की वजह से स्पीड से चला नहीं जा रहा, इससे सांस भी ज़्यादा चढ़ता है और एनर्जी भी ड्रेन होती है। सुबह से हमें 4.5 घंटे हो गए हैं चलते हुए और जस्ट 6 किलोमीटर हमने डिस्टेंस तय किया होगा। 10 मिनट पहले यहाँ पे शदीद गर्मी लग रही थी, चला भी नहीं जा रहा था, और अभी सूरत हाल ये है कि मौसम ख़राब हो गया है, स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी हुई है, हवा तेज़ चल रही है।
देवसाई के वेदर का कुछ पता नहीं चलता, किस टाइम यहाँ पे मौसम खराब हो जाए। ये वेदर है इस टाइम देवसाई का, बर्फबारी का मंजर, विजिबिलिटी कम होती जा रही है। चलम से देवसाई को क्रॉस करते हुए अगर सतबारा जाएं, या सतबारा से चलम की तरफ जाएं, तो रास्ते में तीन ब्रिज आते हैं। तो हमने क्योंकि चलम से अपना सफर स्टार्ट किया था, हाइकिंग स्टार्ट की थी, सबसे पहले हमने कालाबानी ब्रिज क्रॉस किया, कल हमने बड़ा पानी ब्रिज क्रॉस किया, और आज ये शतुंग ब्रिज के ऊपर इस टाइम खड़े हैं। बड़ा पानी से हमें शतुंग ब्रिज तक पहुँचने में 7 घंटे लगे हैं, जो कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि स्नो कवर्ड है तो लिहाजा इसमें आप तेज़ चल नहीं सकते, क्योंकि टांग अंदर जा रही होती है, उस वजह से स्पीड इंतहाई स्लो होती है। हमारा नेक्स्ट जो सफ़र होगा, जो हाइकिंग होगी, वो इस तरफ सतपारा टॉप, देन सतपारा की तरफ। ये हमारे लिए चाय बन रही है, ये शतुंग नाले का ब्रिज, और हम चाय के साथ पार्टी कर रहे हैं। देखिए सुन भाई, रेडी हो गई। देवसाई नेशनल पार्क का सबसे कॉमनली यूज होने वाला ट्रैक या रास्ता यही है, सतपारा से चेलम या चेलम से सतपारा। समर डेज में तो यहाँ बहुत ज़्यादा रौनक होती है, जीप्स आती हैं, जीप पे टूरिस्ट आते हैं, और कुछ टूरिस्ट यहाँ पे स्टे भी कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी जो टूरिस्ट की है वो जस्ट वन डे ट्रिप करते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन कुछ टूरिस्ट स्टे ऐसे होते हैं जो कि स्टे भी करते हैं। बड़ा पानी के ऊपर स्टे के अरेंजमेंट्स यहाँ पे हैं, कैंपिंग पॉट बन जाते हैं समर्स में, वो जस्ट समर में इंस्टॉल होते हैं। इसी तरह आगे अगर काला पानी चले जाएँ तो वहाँ भी पॉट्स मिल जाते हैं, लोग स्टे करते हैं, इसी तरह शोसर लेक पे भी स्टे करते हैं। समर में देवसाई नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा आबाद होता है, रौनक का समय होता है, क्योंकि लोग ग्रीनरी देखने आते हैं, फ्लावर्स देखने आते हैं, यहाँ की स्ट्रीम्स बड़ी खूबसूरत हैं, और ग्रीनरी तो यहाँ की बिल्कुल मैचलेस है, ऐसी ग्रीनरी आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। कुछ एडवेंचर इंतहाई चैलेंजिंग होते हैं, देवसाई नेशनल पार्क को इन कंडीशन में क्रॉस करना भी एक ऐसी एडवेंचर है कि जो कि आपके मसल, आपके टेम्परमेंट, आपकी एनर्जी, आपकी स्पिरिट, आपके पैशन का टेस्ट है ये वाला, क्योंकि कभी मौसम जो है हार्श हो जाता है, कभी धूप निकल आती है, कभी आप टांगें बिल्कुल बर्फ़ के अंदर गुजरी होती हैं, जिससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से हम लोग यहीं पे टेंट लगा रहे हैं, जगह तक बिल्कुल पता नहीं है कौन सी है, लेकिन ये सतपारा टॉप से पहले है कि रफली 1 किलोमीटर। स्नोफॉल बहुत ज़्यादा थी, विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। कल रात को हमने यहाँ पे कैंप किया, और ये कैंप हमें इमरजेंसी में करना पड़ा, क्योंकि स्नोफॉल बहुत तेज़ हो गई थी और उसकी वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, और हम लोग लेट भी हो चुके हुए थे, अंधेरा हो चुका हुआ था। कल हमने हाइकिंग स्टार्ट की थी 8 बजे, और इस कैंप साइट पर हम पहुँचे रात को 7:30 बजे। ये कैंप साइट नहीं है बेसिकली, इससे थोड़ा सा आगे जाके सतपारा टॉप आता है, तो हमारा जो प्लान था वो सतपारा टॉप पर जाके रुकने का था, लेकिन मौसम ने, अंधेरे ने और विजिबिलिटी ने हमें यहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हालत सबकी इतनी ख़राब हो चुकी हुई थी, क्योंकि क्लोथिंग वगैरह और जो गेयर हमने उठाया हुआ था और जो लगेज था वो सारा बर्फ़ की वजह से हैवी हो चुका हुआ था, तो हमें यहीं पे कैंप जो है वह अपने इंस्टॉल करने पड़े, और उसी अंधेरे और विजिबिलिटी न होने की वजह से हम लोग सही रास्ते पे भी नहीं थे। रास्ता अगर देखा जाए तो वो नीचे से रास्ता है, जो जीप का रास्ता है सतपारा टॉप को जाता है, जबकि हम लोग थोड़ा सा ऊपर हैं पहाड़ की तरफ आइए, लेकिन ये इस तरह के मौसम में हो जाता है, जब विजिबिलिटी ना हो, अंधेरा हो चुका हो, स्नोफॉल हो रही हो, तो जाहिर है एग्जैक्ट अपने टेरेन पे पॉसिबल ही नहीं है कि आप रहें। अभी भी आप सूरत हाल देखें, आज भी जो फोरकास्ट है देवसाई की सही नहीं है,
अभी थोड़ी देर तक में भी स्नोफॉल स्टार्ट भी हो जाए। आज हमारा फिफ्थ और लास्ट ट्रैकिंग डे है देवसाई में। आज हम देवसाई नेशनल पार्क से एग्जिट कर जाएंगे थोड़ी देर में। अभी हम लोग अपने जो कैंप्स है वो रैपअप कर रहे हैं। जैसे ही पैकिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम यहाँ से हाइकिंग स्टार्ट करके सतपारा टॉप और देन नीचे सतपारा की तरफ मूव करेंगे। सतपारा रोड की कंडीशन इस तरह से है कि जीप सतपारा टॉप तक अभी नहीं आ रही क्योंकि रोड अभी खुला नहीं है, तो हमें सतपारा टॉप से 15, 18, 20 किलोमीटर में नीचे जाना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा एक्सपेडिशन आज कंप्लीट होने वाला है और इंशाल्लाह हम स्कर्दू पहुंच जाएंगे। आज का दिन की हाइकिंग स्टार्ट हो रही है और ये हमारा लास्ट डे होगा देवसाई नेशनल पार्क में। और मौसम की सूरत हाल ये है। जमशेद भाई, आज भी फिर हमारे साथ वही हुआ कि हम लोग रास्ता भटक गए। जरा बताएं कि कितना भटके। तकरीबन 450-500 मीटर जो है ना हम नीचे गए थे फिर ऊपर आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमें मिला है अभी रास्ता, सही ट्रैक पे हम अभी आए। इस वेदर का सबसे बड़ा जो मसला होता है कि आप रास्ता भटक जाते हैं, जो टेरेन है आप उस पर नहीं चल पाते। तो आज पांचवा दिन है हमारी हाइकिंग का और आज फिर हमारे साथ यही हुआ। हमने जीप रोड से 500 मीटर नीचे डिसेंड किया, मिस्टेकनली हम भूल गए, तो दोबारा वापस ऊपर चढ़ने के लिए एक बहुत लंबा लूप लेना पड़ा। दोबारा 500 मीटर हम ऊपर चढ़ रहे हैं और इस चक्कर में हमें यहाँ पे 3 घंटे लग चुके हैं, जबकि जो डिस्टेंस था 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो कि इन कंडीशंस में 2 घंटे में कवर हो जाना चाहिए, लेकिन अभी हमें सुबह से निकले हुए 4 घंटे हो गए हैं और अभी हम सतपारा टॉप पे नहीं पहुंचे। सतपारा टॉप पे पहुंचेंगे, उसके बाद 16 किलोमीटर अभी हमें करना है। ये हमारे एक पोटर हैं शब्बर, जो कि हमारी टीम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ये मिनिमम कोई 50 kg का ये लगेज होगा। वेदर ऐसा है ना, नहीं पता चलता ना जीप का रोड नजर आ रहा है ना कोई बोर्ड नजर आ रहा है। इसलिए तो इसका नाम देवसाई रखा है। देवसाई तो फिर आसान गेम नहीं है ना। बहुत मुश्किल है सर। ये फिजान हमारा यंगेस्ट पोर्टर, यूरोपरेटर भी है, ये हमारा पोर्टर भी है, तो ये भी माशाल्लाह से ऊपर पहुंच आया है। ये हमारे हसन भाई भी माशाल्लाह से पहुंच आए सतपारा टॉप पे। आप तो मतलब बच्चों की तरह रास्ते भूल जाते हैं आप। एडवेंचर है हबीब भाई, एडवेंचर में ये मामलात होती है। ये मामलात 50 फुट नीचे 50 फुट ऊपर, 50 मीटर नीचे, ये एडवेंचर 100 मीटर ऊपर। यस, ये एडवेंचर के मामलात नहीं आते हैं, सही किए हैं। नहीं, हर एडवेंचर में यही होता है। मुझे तो लगता है ये जो स्पेशल पैकेज है ये देवसाई में मिलता है, ये वाला नहीं। देवसाई में बहुत ज्यादा पैकेज है क्योंकि देवसाई में आपको रोड की लोकेशन का कोई एग्जिट पॉइंट आपके पास है नहीं है। सिर्फ आपके पास 3 पॉइंट्स है, एक काला पानी वाला पुल है, दूसरा बड़ा पानी वाला पुल है और तीसरा जाके शतों पुल है। उसके बाद अगर आपके पास वेदर ख़राब हो गया तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सतपारा टॉप के ऊपर बर्फ़ को ये मेल्ट करके बना रहे हैं जामे सीरी। आज हमारा सारा दिन रास्ता ढूंढने में लग गया। अभी यहाँ पे सतपारा टॉप पे जो हट्स हैं और जो बोर्ड हैं वो नज़र आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सही रास्ते पे आ गए हैं देवसाई की तरफ जाते हुए सतपारा की तरफ से। रोड की कंडीशन कुछ यूं है, ये देखें रोड का साइन है लेकिन रोड बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ये हमारे दो साथी इस रोड से सतपारा की तरफ जाते हुए, मैं इन्हीं के फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ। अभी आज जब इन बोर्ड्स को और इन हट को दूर से देखा तो खुशी इंतहा से ज़्यादा थी क्योंकि पिछले 6 घंटे से हमें सतपारा रोड का रास्ता नहीं मिल रहा था, जीप ट्रैक नहीं मिल रहा था क्योंकि विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा कम थी कि हम लोग डी ट्रैक हो गए। तो जब हमारे गाइड जमशेद भाई ने एक बोर्ड को दूर से देखा तो उन्होंने फौरन से खुशी का इजहार किया, विसल दी कि हमें रास्ता मिल गया है। देवसाई सतपारा रोड पे टीम आते हुए
गाइड, शेफ, पोटर्स। ये जो जीप ट्रैक है ये क्लियर नहीं हुआ तो लिहाजा यहाँ पे भी हमें ट्रैक करके नीचे जाना पड़ेगा, मे बी 10 या 8 किलोमीटर अपनी जीप तक पहुँचने के लिए। देवसाई का ख्वाब जो है ये बेसिकली 2 साल पुराना ख्वाब था। 2 साल पहले हमारे पास गियर नहीं था, स्लज नहीं थी, स्नो शोइंग नहीं थी, तो लिहाजा हमने अटेम्प्ट नहीं किया। हम लास्ट ईयर भी करना चाह रहे थे लेकिन हमारा गियर चाइना से पहुंच नहीं पाया। इस साल हम लोग बिल्कुल रेडी थे करने के लिए लेकिन वेदर जो है वो अनप्रडिक्टेबल था। हर वीक वेदर जो था वो हार्श था, ऑलमोस्ट हर वीक इतनी ज़्यादा स्नोफॉल इस दफ़ा देवसाई में हुई कि पहले कभी इतनी स्नोफॉल नहीं हुई। तो मेरे जो दूसरे कुलीग हैं जो मेरे साथ आना चाह रहे थे, हम लोग फैब से प्लान कर रहे थे, फैब में हमें वेदर विंडो नहीं मिली, फिर मार्च में वेदर विंडो नहीं मिली, फिर अप्रैल में वो लोग थोड़े से कमिटेड हो गए, लेकिन मैं फुली डिटरमिन्ड था क्योंकि मेरा ये ड्रीम था, बकेट लिस्ट में था देवसाई को क्रॉस करना। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली क्रॉस किया। इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपने गाइड, हमारे जो पोर्टर्स हैं, हमारे जो शेफ़ हैं। एक टीम वर्क होता है, टीम वर्क के बगैर पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आज हमारा 5वां दिन है देवसाई नेशनल पार्क में और 5वें दिन हम लोग इसको क्रॉस करने में कामयाब हुए हैं। शब्बर भाई स्लेज को स्लाइड करते हुए नीचे आ रहे हैं, देवसाई में ड्रैग कर रहे थे और यहाँ पे स्लाइड हो रही है स्लेज। गुड शब्बर भाई, गुड, जबरदस्त कंट्रोल किया हुआ आपने इसको। इस टाइम हम लोग अभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचे। ये हमारे दोस्त हैं जो कि जीप्स लेके आए हुए हैं, साथ में खाने की चीजें, साथ जूस लेके आए हुए हैं। ये हमें आज मेरा ख्याल है 12 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया है और सुबह जो नाश्ता हमने किया हुआ है ये मेरे गाइड बताएंगे कि सुबह हमने नाश्ते में क्या खाया था। जी सिर्फ चाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग स्पेशल आए, ये चीजें भी लेके आए। यकीन करें हम अभी बिल्कुल ताजा दम हो गए हैं, दोबारा से दोबारा टॉप पे जा सकते हैं। यहाँ पे जी हमारा एक्सपेडिशन का एक्सप्लान हो गया क्योंकि हमारी हाइकिंग खत्म होगी। अब जो है वो जीप राइड है, जीप से हम सुतवारा और स्कर्दू पहुंचेंगे। अगर हम ये देखें कि देवसाई को किस किस टीम ने विंटर में ट्रेवर्स किया तो हिस्ट्री से मालूम होता है कि 2005 में 4 दिनों के अंदर स्की के जरिए लेफ्टिनेंट कर्नल अमजद वली की सरबराई में, जिसमें कर्नल डॉक्टर उस्मान राठौर और कैप्टन जुनेद भी शामिल थे, तो ये 15 मेंबर की पहली पाकिस्तानी टीम थी। इन्होंने 4 दिनों में स्की के जरिए देवसाई को ट्रेवर्स किया और कमरान सलीम जो कि मेरे दोस्त भी हैं और मशहूर फोटोग्राफर हैं, इन्होंने नज़ीर सतपारा के साथ 2010 के दिसंबर के लास्ट वीक में 5 डेज में देवसाई को ट्रेवर्स किया। अगर हम फॉरनर टीम की बात करें तो 2021 में मार्च में एक टीम ने देवसाई को ट्रेवर्स किया, फिर 2022 में, फिर 2023 में और अभी 2024 में 2 पोलिश खवातीन ने पहली दफ़ा देवसाई को ट्रेवर्स किया, जिसमें मोनिका और जोआना थीं। तो किसी भी खातून ने देवसाई को पहली दफ़ा स्की के ज़रिए ट्रेवर्स किया। यहाँ मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ कि फॉरनर टीम ने जस्ट स्की के ज़रिए ट्रेवर्स किया है, ट्रैक करके हाइक करके ट्रेवर्स नहीं किया। विंटर में देवसाई को क्रॉस करने के लिए तो एक ही रास्ता है, चिलम से सतपारा कर लें या सतपारा से चिलम की बात कर लें। जबकि समर में देवसाई को देखना हो या क्रॉस करना हो या देवसाई के ऊपर जाना हो तो बहुत सारे रास्ते हैं। उन रास्तों में बुर्जिला, सतपारा टॉप, शीलाला, मंठोका, मेहदियाबाद, गटिशाला, गुलतरी, मुर्तजाबाद, सफ़ेद नाला, छछोर पास, बुबिंद टॉप, शगरथंग, गौतमसर, सोक वैली, चुंदा वैली और दशकरम टॉप है। हमें 3 इश्यूज़ जो है एक्सपेडिशन के दौरान फेस करने पड़े, उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहला इशू था पानी, क्योंकि हर चीज़ फ्रीज थी तो पानी सिर्फ हमें 3 दरियाओं में मिला, जो कि काला पानी, बड़ा पानी और शतुंग नाला है। इसके अलावा हमने या तो बर्फ़ खाई या बर्फ़ को मेल्ट करके पानी बनाते थे। जो दूसरा बड़ा इशू था वेदर था, वो वेदर की वजह से जब वेदर ख़राब होता था तो विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती थी। विजिबिलिटी की वजह से हम लोग डाइवर्ट हो गए, हमें एक्स्ट्रा हाइक करना पड़ी। हमारी जो टोटल हाइक थी, जो हमारा टोटल ट्रैक बनता था वो 64 किलोमीटर बनता था, जबकि हमने 95 किलोमीटर का जो है वो जर्नी किया हाइक से। तीसरा जो बड़ा इशू था वो बैटरीज का ड्रेन हो जाना था, ड्रोन की बैटरी
और GoPro की बैटरी, ये स्टार्ट में तो ये फौरन ही ड्रेन हो जाती थी और हार्डली को 10 सेकंड का जो है वो क्लिप बनता था। उसके बाद मैंने इनको प्लान ये किया कि इनको मैं जैकेट की जेब में रखूँ, जो डाउन जैकेट थी जो मैंने पहनी होती थी, इस तरह से कोई एक मिनट, दो मिनट या तीन मिनट का क्लिप बन जाता था। अदरवाइज जो बैटरीज हैं इस टेम्परेचर में वो जल्दी ड्रेन हो जाती हैं। देवसाई नेशनल पार्क का एक्सपेडिशन हमारा टोटल 5 डेज का था, जिसमें हमने 4 नाइट की और इन 5 डेज के दौरान हमने 95 किलोमीटर का जो हाइक है वो की हमने, और 52 आवर्स हम लोग इसमें चले। मैं असिस्टेंट कमिश्नर एस्तोर एहसान उल हक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और राहत साहब का जो कि सेक्रेटरी बल्तिस्तान है टूरिज्म के, और हमारे जो शाउंटर के एसी साहब हैं, जिनके कोऑपरेशन की वजह से, एफर्ट्स की वजह से, इनकी अप्रूवल की वजह से ये हमारा जो एक्सपेडिशन है देवसाई का ये पॉसिबल हुआ।